सांत्वना, डिप्टी सीएम पीड़ित परिवारों को देंगे मुआवजे की चेक। आकाशीय बिजली गिरने से हो गई थी 7 लोगों की मौत, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घाटमपुर दौरा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंजनी निगम जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, जानना चाहूंगी जिस तरह से आज का दौरा है घाटमपुर का, जहां लोगों को सांत्वना देने का कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ बताएंगे इस पर आप? हाँ, देखिए वहां घाटमपुर में आकाशीय बिजली से गिरने से कल 7 लोगों की मौत हो गई थी, 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए थे और लगभग 1.5 से 2 दर्जन मवेशी उसका शिकार हुए। ये जानकारी जैसे ही आज सुबह उनको मिली है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी सीएम को निर्देश दिया कि आप चूंकि वहां कानपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं तो आप जाइए और वहां लोगों से बात करिए। तो इसलिए बड़ी तेजी से उनका कार्यक्रम बनाया गया है। घाटमपुर में जो जनता महाविद्यालय है वहां सारे ही पीड़ित लोगों को बुलाया जा रहा है, जो पीड़ित परिवार हैं, और उनको वो मुआवजे की चेक भी देंगे, उनको सांत्वना देंगे कि सरकार आपके साथ है, आप निश्चिंत रहिए। ये जो घटना दैवीय आपदा हो गई है जी। इसमें दैवीय आपदा को तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन सरकार आपको हर तरीके से मदद देगी, आप निश्चिंत रहिए, ये ऐसा आश्वासन देने वो आ रही। जी बिल्कुल, जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा बन गया है उनका, उनका यहाँ पर आना और सांत्वना देना, साथ ही चेक देना, जानना चाहूंगी किस तरह की तैयारियां इसके मद्देनजर की जा रही है। देखिए आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, डिप्टी सीएम कल भी कानपुर में थे, कुछ भाजपा का जो संगठन के सदस्यता या कुछ और कार्यक्रम थे उसमें आए थे, लेकिन आज जैसे ही ये सब जानकारी वहां पहुंची है लखनऊ में विभिन्न माध्यमों से, और तो उन्होंने तुरंत अपना कार्यक्रम निश्चित किया है। ये बताता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है जी। माने 7 लोग अगर मरे हैं तो वो खुद डिप्टी सीएम, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हर जगह जा नहीं सकता है, तो इसलिए डिप्टी सीएम खुद वहां जहां पहुंच रहे हैं और लोगों से, परिवारों से बात करेंगे। मुझे लगता है जो शासन द्वारा निर्धारित राशि है वो तो देंगे ही देंगे, उसके अलावा भी उनके परिवारों की समस्याओं का जानकारी करके और भी जो मदद दूसरे माध्यमों से हो सकती होगी वो भी कराएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है जी। जानना चाहूंगी कितना समय दे सकते हैं वो इस कार्यक्रम को, साथ ही कौन कौन से खास लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे, संभावना क्या है? जी, और देखिए उसमें क्या है कि स्थानीय लोग भी रहेंगे जी, जो वहां पे उनके साथ रहेंगे और वो जानकारी देंगे कि देखिए किस तरीके से और कहां लोग पीड़ित हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा मैसेज जाएगा सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए हमें, आपको बड़ी खबर कानपुर से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य घाटमपुर पहुंचेंगे, बता दें कि 3 बजे जनता महाविद्यालय में लोगों को सांत्वना देंगे डिप्टी सीएम।